हलो एवरीवन कैसे आप सब तो आज मैं सारी एयर फ्राई रेसिपीज़ ना इसमें ही बनाने वाली हूँ ये दिखता अवेन जैसा है बट ये एयर फ्रायर है प्रोफेशनल एयर फ्रायर है और इसमें आधे टाइम में कुकिंग हो जाती है तो इसलिए ना आ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखिए तीन लेयर है इसमें इस तरह से आ, इसमें एक वायर बास्केट है एक ग्रिलिंग के लिए दिया गया है और नीचे भी एक बास्केट है अगर आप चिकन और फिश कुछ बना रहे हो ना तो जूस टपकता है उसका तो इसमें कलेक्ट हो जाता है और आपका एयर फ्रायर गंदा नहीं होता तो और काफ़ी क्वांटिटी कौ, में आप खाना बना सकते हो नॉर्मल जो एयर फ्रायर होते हैं उसमें इतना कैपेसिटी नहीं होता है बट इसमें देखिए तीन लेयर में तीनों में आप खाना बना सकते हो तो इस तरह से है ये और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ आप लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर तो आज सारी कुकिंग इसी में ही होगी और इसमें ना रोटसरी भी है इस तरह से आप उसमें डाल के चिकन वगैरह घुमा सकते हो अंदर में या बैंगन का भरता बनाना हुआ बैंगन रोस्ट करना हुआ चिकन रोस्ट करना हुआ तो होल चिकन होल बैंगन इसमें डाल के आप रोस्ट कर सकते हो यहाँ पे देखिए रोटसरी का ऑप्शन है तो ये हमें यूज़ करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज कर। तो आज मैं आपके साथ दो वेट लॉस रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही इजी रेसिपी है 15 मिनट्स के अंदर बन जाएगा और आपको खा के मज़ा आ जाएगा इतना अच्छा इतना टेस्टी बनता है सो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ये फ़िश लिया है सैमन फिश है ये मैं इसका पानी निकाल दे रही हूँ ऐसा टिश्यू पेपर से पोच कर नहीं तो मसाला बह जाएगा फिर इसमें सीजनिंग कर रहे हैं हम तो मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट पेपर गार्लिक पाउडर और साथ में ऐड करेंगे पापड़ का नहीं है तो आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और फिर हमने वन टी स्पून क्यूमिन पाउडर डाला है और साथ में जाएगा इसमें लेमन जूस तीन टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें और साथ साथ जाएगा ड्राइड पार्सले इसे डाल कर ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप दो तीन घंटा भी मैरिनेट कर सकते हो जितना मैरिनेट करोगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और टाइम कम है तो हाफ एन आवर भी चल जाएगा तो फ़िश में मसाला लग गया अच्छे से अब इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने देंगे और जब तक हमारा फिश मैरिनेट होता है हम थोड़ा सा सब्जी चॉप कर लेंगे और ये सारे वेजिटेबल्स को भी ना मैं रोस्ट करूँगी एयर फ्रायर में एयर फ्रायर में रोस्ट होगा बट बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका बेस्ट टेस्ट आता है मैं तो कहूँगी और मैं वही सब सब्ज़ी यूज़ कर रही हूँ जो जल्दी गल जाता है और आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो अपने पसंद का तो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया है मुझे कैप्सिकम अच्छा लगता है रोस्टेड वाला और आप चाहो तो पटेटोज भी ऐड कर सकते हो कॉली है तो कॉली भी छोटे छोटे काट के ऐड कर सकते हो वेजिटेबल्स अपनी मर्जी का आप डाल सकते हो और साथ साथ मैंने अनियन भी चॉप करके डाल दिया मोटा मोटा चॉप किया अनियन को अब इसकी सीजनिंग कर लेते हैं सीजनिंग हम सेम करेंगे जैसा हमने फ़िश में किया था सेम मेजरमेंट रहेगा सेम अमाउंट मसाला डालेंगे तो इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर और लेमन जूस तो यहाँ पर फिर मैंने डाला है गार्लिक पाउडर और यहाँ पर पापड़िका और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ये है ये हमने फिश में नहीं डाला था तो डालने से टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा सा इसमें मैंने बैंगन डाल दिया है और थोड़ा सा ड्राइड पार्सले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ तो इससे क्या होगा ना ऑयल डालने से कोटिंग अच्छा हो जाता है मसाला अच्छे से पकड़ लेता है सब्जियों में तो आप चाहो तो मैरिनेट करो नहीं तो आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो ना तो इंस्टेंट भी बना सकते हो सब्जियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे पहले मैं यहाँ पर ट्रे को थोड़ा ग्रीस कर लूँगी ऑयल से उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है वेजिटेबल्स थोड़ा फैला देंगे ज़्यादा ऊपर ऊपर रखे ना तो ऊपर का फिर सब्ज़ी कच्चा रह जाएगा और उसके बाद जो ये वायर बास्केट है इसमें हम डाल देंगे फिश तो मैंने लगभग एक घंटा फिश मैरिनेट कर लिया था और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें तीन चार लेयर है देखिए ये नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँगी जो फ़िश का जो बास्केट है ना इसे मैं ऊपर डाल दूँगी तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो हाइट इसमें ये भी एक अच्छी बात है तो इस तरह से मैंने रख दिया है और मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ टेम्परेचर 180 डिग्री 9 मिनट्स में ये पक जाएगा मैंने नाइन मिनट्स रखा था बट ये सेवन मिनट्स में ही पक गया क्योंकि ये टॉप टॉप रैक में था इसलिए और निकालते वक्त टूट भी गया थोड़ा मुझसे और ये ना मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है वायर बास्केट में क्योंकि इसका पानी निकल रहा था सब्जियों का तो फिर से मैंने वायर बास्केट में डाल के इसे दो तीन मिनट पका लिया है तो हमारा सब्ज़ी भी रेडी हो गया है तो इसकी प्लेटिंग करते हैं और सब्ज़ी देखिए कितना अच्छे से रोस्ट हुआ है और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना तो परफेक्ट मील है ये आप लंच या डिनर में इसे ले सकते हो और बनने में बहुत कम टाइम लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये सेकेंड रेसिपी भी वेट लॉस रेसिपी है ग्रिल्ड चिकन विथ सैलेड तो यहाँ पे ना मैं डीप कट्स लगा रही हूँ ताकि मैरिनेशन जल्दी हो जाए अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है मैरिनेशन के लिए तो आप इस तरह से कट्स लगा सकते हो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वन टेबल स्पून जिंजी गार्लिक पेस्ट सॉल्ट हाफ टेबल स्पून कुरिडा पाउडर वन टी स्पून क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो और दो तीन टेबल टेबल स्पून जूस मैं डाल दूँगी इसमें लेमन जूस और इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे बहुत अच्छे से मसाज करना है और मसाज करके इसे मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर जितना आप मैरिनेट करोगे उतना ही अच्छा है जैसे कि मैंने कहा ओवरनाइट टाइम है तो ओवरनाइट भी आप ये मसाला लगा के रख सकते हो और जब खाना है तब आप बना कर खा सकते हो इंस्टेंट तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम थोड़ा सा सैलड के लिए वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट कैबेज आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो अपने पसंद का जो भी सैलड में आपको पसंद है और मैंने यहाँ पे कैरेट भी सेम वैसे ही काट लिया है पतला पतला इस तरह से और जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो मीशो इस तरह से आ जाती है उसे बड़ा मजा आता है मुझे काम करते हुए देखना तो थोड़ा लेटेस्ट भी चॉप कर लें कि मुझे सैलड में लेटेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर हमारा वेजिटेबल्स चॉप हो गया है और साथ में ऐड करेंगे एप्पल एक्चुअली थोड़ा वियर्ड लगता है कि सैलड में एप्पल कैसे कोई ऐड कर सकता है बट यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था ना टर्किश रेस्टोरेंट में एक वहाँ पर सैलड ऐसे ही दिया जाता है तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए मैंने पहले भी ट्राई किया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं सारी सब्जियों को नहीं बनाऊँगी थोड़ा सब्ज़ी मैं रख दूंगी और जितना बनाना था मैंने बोल में ले लिया है क्योंकि ड्रेसिंग हम डालेंगे इसमें तो ड्रेसिंग में नमक रहेगा अगर सारी सब्जियों को डाल के ना मिक्स कर दिए तो फिर पानी छोड़ देगा तो फिर वेस्ट है ऐसा और इसलिए ना मैं थोड़ा सा रख दूँगी जब ज़रूरत होगा तो ड्रेसिंग ऐड करके फिर खा सकते हैं और अब सैलेड के लिए ड्रेसिंग बना लेते हैं तो ड्रेसिंग के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल है ये और वन टी हनी जाएगा इसमें और सॉल्ट टू टेस्ट जितना आपको चाहिए आप ऐड कर दो और वन टीस्पून जाएगा मस्टर्ड सॉस इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है सैलेड में और इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस दो तीन टेबल स्पून लेमन जूस अब डाल दो उसमें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए मैंने वायर बास्केट में ऑयलिंग कर लिया है और उसके बाद इसमें चिकन रख देंगे और चिकन को हम पकने के लिए अंदर रख देंगे तो मैंने टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बारह मिनट के लिए रख दिया है फिर पलट के अगर पकाना हुआ तो पलट के भी पकाएंगे इसे तो बस इसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं और मैं सजेस्ट करूंगी जिस टाइम आप खाते हो ना सैलेड उसी टाइम में आप ये ड्रेसिंग डालो नहीं तो बहुत सारा पानी छूटने लगेगा क्योंकि ड्रेसिंग में नमक है ना और सब्जियों में नमक जाने से पानी रिलीज होने लगता है तो इसलिए तो देखिए हमारा चिकन ज़बरदस्त ग्रिल हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ बिल्कुल भी ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया था चिकन में तो हल्का हल्का मैंने स्प्रे कर दिया है और पलट के इसे ना थोड़ा पका लेंगे तो पलट के बस मैं दो तीन मिनट पका लिया था और दो तीन मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गया था ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है चेक कर लेते गला कि नहीं अच्छे से गल भी गया है और अच्छा जूसी भी है ये देखिए तो इसकी प्लेटिंग कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सिंपल सा मतलब मसाले के साथ सिंपल इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अच्छा बनता है और इसके साथ ये सैलेड अब खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको वेट लॉस रेसिपी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये इसे भी कंज्यूम कर सकते हो और आज मैं एयर फ्रायर में खुद फर्स्ट टाइम भी बना रही हूँ पनीर टिक्का मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और चिकन टिक्का मैंने बनाया है बट पनीर टिक्का मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है और इस तरह से ना मैंने क्यूज़ में कट कर लिया है पनीर को और इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ हाफ़ कप कर्ड और साथ में जाएगा वन टेबल जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर वन टेबल और इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट ही ऐड करना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ब्लैक सॉल्ट से और साथ साथ मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड ऑयल भी मस्ट है वन टेबल स्पून ऐड करेंगे कोलकाता में तो मोस्टली कुकिंग मस्टर्ड ऑयल में ही होता है ज़्यादातर घरों में तो इसका टेस्ट बहुत ही इनहंस हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा टर्मरिक पाउडर वन टी डाल दिया है मैंने वन टी चाट मसाला वन टी क्यूमिन पाउडर वन टी स्पून पाउडर वन टेबल स्पून रोस्टेड बेसन और टू टी स्पून ड्राइड कसूरी मेथी बेसन ऐड करने से क्या होगा ना आपका जो वो दही बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है नमक पड़ने से तो वो पानी पानी नहीं होगा और अच्छे से मसाला हमारा पनीर और सब्जियों में कोट हो जाएगा तो मसाला छूटेगा नहीं अच्छे से सब्जियों में पकड़ के रहेगा तो इसलिए बेसन ऐड किया जाता है तो मैंने बेसन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है अब पनीर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ आप चाहो तो मैरिनेट भी कर सकते हो इसे और देखिए मैंने ना अनियन को इस तरह से काटा है दो तीन लेयर मैंने रहने दिया है बिल्कुल आप खोल दोगे ना तो बहुत जल्दी गल जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता तो इस तरह से अनियन चॉप कर ले और सब्जियों को भी इस तरह से मैंने चॉप किया है थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का पनीर के साइज़ का और अच्छे से कोट कर लेंगे मसालों को सब्जियों के साथ तो देखिए अच्छे से कोटिंग हो गया है और आप चाहो तो थोड़ी देर मैरिनेट कर दो मैं पंद्रह से बीस मिनट रख दूँगी तो थोड़ी देर मैरिनेट हो गया है ये उसके बाद मैं इसे इस क्यूज में डाल के सेट कर दूंगी और देखिए इस इस क्यूर्स को ना मैंने पानी में रखा है ताकि ये जले ना इस तरह से पानी में रखने से ना जलता नहीं है ये और थोड़ा सा तेल डाल के ना इसे ऐसे मसाज कर लूँगी ताकि ना निकालते वक्त आसानी से निकल जाए और हमारा पनीर टूटे ना तो इस तरह से मैं सेट कर दूँगी सब्जियों को और पनीर को तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी ये सेट हो गया है तो इस तरह से ना सारे पनीर मैं रेडी कर लूँगी सारे स्क्यूअर्स में जबरदस्त दिखने में मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है सब्जियों के साथ पनीर के साथ काफी अच्छा लग रहा है एयरफेर तो के अंदर और अब मैं इसे सेट करूंगी वन एटी डिग्री मैं इसे सात सात आठ मिनट में रख देती तो ये आठ मिनट में ना बन गया था मतलब एक तरफ पक गया है तो मैं इसे अभी साइड चेंज कर दे रही हूँ थोड़ा ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए और हल्का हल्का इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया है इसे पलटने के बाद ना मैंने वन एटी डिग्री पे पाँच मिनट रख दिया है तो ये पाँच मिनट में आराम से बन जाएगा और यहाँ पे हो गया है पाँच मिनट तो बस इसे निकाल लेंगे और देखिए एयर फ्रायर में पनीर टिक्का इतना ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो गया है लग नहीं रहा है कि एयर फ्रायर में बना हुआ है मतलब एयर फ्रायर में भी इतनी अच्छी रेसिपीज़ बन जाती है ना देखिए और मैंने पनीर टिक्का फर्स्ट टाइम बनाया है और मैं खुद सरप्राइज़ हूँ इतना अच्छा इफेक्ट आया इतना अच्छा रिजल्ट आया है अगर घर में आप गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो आराम से आप बनाकर स्टार्टर में ये दे सकते हो बहुत ही बहुत ही डिलीशियस बना था और देखिए इस तरह से आप प्लेट में सर्व कर दो इस पर थोड़ा सा ग्रीन चटनी अनियन रिंग्स ये सब लगा कर आप सर्व करोगे ना तो बहुत ही कमाल का दिखेगा और मैं खुद को रोक नहीं पाई इतना अच्छा लग रहा था मुझे देखने में इतना टेम्प्ट हो रही थी मैं मैंने खाना शुरू कर दिया और पनीर टिक्का को आप रोल में डाल के भी खा सकते हो अगर आपको ऐसा नहीं खाना है तो आप पराठे में डाल के बच्चों को ना टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हो और काफ़ी हेल्दी भी है पनीर और सब्जियां है इसमें तो इस तरह से ना मैं अलीना के लिए बना रही हूँ और मैं खुद के लिए बना रही हूँ और बिज़ी मॉर्निंग में जब आपके पास टाइम ना हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो बहुत क्विक बन जाता है तो जस्ट मैंने ट्रे में ना ऑलिव ऑयल डाल के थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और इसमें पटेटो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे तो ये सीजनिंग मैं यहाँ पे रखती हूँ इस तरह से तो इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर और साथ साथ जाएगा पापड़िका थोड़ा सा पार्सले और सॉल्ट बस सिंपल सा सीजनिंग है बट बहुत मज़ा आ जाता है सीजनिंग ऐड करने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके ना हम पटेटो को अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से एक के ऊपर एक नहीं रखना है पूरा फैला कर रखना है अच्छे से और उसके बाद आलू को थोड़ा पका लेंगे क्योंकि इसमें अंडा भी जाएगा तो अंडा हम बाद में ऐड करेंगे आलू पकने में टाइम लगता है तो वही डिग्री पर मैंने आठ मिनट रख दिया है तो आठ मिनट पकने के बाद फिर मैं इसमें एग्ज़ ऐड करूँगी तो ये देखिए पक गया है आठ मिनट हो गए हैं तो 90 परसेंट आलू कुक हो गया है 10 परसेंट बचा हुआ है तो वो अंडे के साथ पक जाएगा तो मैं यहाँ पे जगह बना रही हूँ अंडा डालने के लिए तो इस तरह से स्पेस बना के ना मैं अंडे इसमें फोड़ दूंगी डायरेक्ट और उससे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दूँगी ताकि अंडा हमारा बाद में आराम से बाहर आ जाए तो अब अंडे के ऊपर भी थोड़ा सा सीजनिंग कर लेंगे हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा ड्राइड पार्सले इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे तो इसमें सब कुछ ऐड करने के बाद फिर से इसे एयर फ्राई कर लेंगे आ, तो 180 डिग्री पे दो मिनट हम फिर से पका लेंगे इसे तो ये परफेक्टली कुक हो जाएगा और देखिए ये हमारा अंडा बिल्कुल रेडी हो गया है एक पोटैटो ब्रेकफास्ट और आप ही लोग बताना कैसा लग रहा है आप देख सकते हो पोटैटो कितना क्रिस्पी है और खाने में तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था हल्का सा सीजनिंग से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आया था इसमें तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है एक बार जरूर ट्राई करना आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और देखिए अंडा मैं दिखाती हूँ आपको फुली कुक्ड हो गया है अगर आपको सेमी कुक्ड अंडा अच्छा लगता है ना तो थोड़ा कम पका ले आप मैंने पूरा अच्छे से पका लिया मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग कर, कर लूँगी ये देखिए कितना तो ज़बरदस्त लग रहा है मैंने अफगानी ऑमलेट भी दिखाया था आप लोगों को बट उसका थोड़ा डिफरेंट था ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें सीजनिंग वगैरह ऐड किया है हमने तो ये गर्मा गर्म कम ऑयल में बना हुआ हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और आप ऑयल अगर कम कंज्यूम करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपका जो कैलोरीज आप कम इंटेक करते हो और कभी कुछ इंस्टेंट खाना हो ना तो ये पिज़्ज़ा बेस तो भी हर जगह मिल जाता है बाज़ार में अवेलेबल है तो मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल्स है प्याज़ है ऑलिव्स है मशरूम कॉर्न और बेल पेपर्स है मिक्स कलर्स के तो इसे मैंने चॉप कर लिया है और इसके ऊपर जस्ट हम इसे थोड़ा सा लगा देंगे इस तरह से और वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है आप चाहो तो चिकन भी डाल सकते हो इसमें बट मैं वेज पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है और ऊपर से चीज़ डाल देंगे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ओरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इस एयर फ्रायर में ना सबसे जल्दी बन जाता है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बनने में हार्डली फ़ोर मिनट्स लगते हैं इसमें तो मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे फ़ोर मिनट्स रख दिया था और ये हमारा देखिए पिज़्ज़ा इस तरह से चीज़ मेल्ट हो रहा है अंदर से और यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है विद इन फोर मिनट्स लग रहा है ना काफ़ी डिलीशियस oh yeah. क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत ज़िद करते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए और बाहर से मंगाना हेल्दी नहीं होता है तो घर पर बना करना आप इस तरह से दे सकते हो तो बस ठीक है आज के लिए इतना ही होप आप लोगों को अच्छी अच्छी लगी होगी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय टेक केयर लाफेज़